ऐसी ही मजेदार रेसिपीज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो गाइस, वेलकम टू फूड फन एंड फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की बाफला बाटी। हमने नॉर्मल बाटी जो हम ओवन में बनाते हैं वो हमने ऑलरेडी दिखाई है वीडियो में। ये बाफला बाटी थोड़ी सॉफ्ट होती है, थोड़ी और ज़्यादा घी सोख लेती है, बहुत टेस्टी होती है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और हम जो तरीके से बनाएंगे उसमें हम ओवन भी यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 2 कटोरी करीब आटा लिया है, सेम यही कटोरी ली है मैंने, उत्तप भर के मैंने आटा, रेगुलर आटा लिया है। और ये घी मैंने इतना लिया है, ये घी हम 1 बड़ा चम्मच तो इसमें डालेंगे, बाकी हमें बाटियाँ फ्राई करने में लगेगी। तो ये मैं पूरा 1 कटोरी भर के घी ले रही हूँ। चुटकी भर मैंने बेकिंग सोडा लिया है, नमक स्वादानुसार, 2 छोटी चम्मच मैंने अजवाइन और 2 छोटी चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो सूखा धनिया है इसका ऐसे हल्का सा इनको कूट लेंगे, बस इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, ज़्यादा इनको पीसना नहीं है, बस इतना काफ़ी है। और बस ये देखिए दरदरा सा करके इसमें डाल देंगे। ये अजवाइन भी हम ऐसे हाथ में लेके ऐसे मसल के इसमें डाल देंगे। नमक डाल देते हैं, सोडा भी डाल देते हैं। अब ये जो मैं चम्मच है भर के, इसमें ये पूरा चम्मच घी का भर के डाल देती हूँ। थोड़ा सा और लूँगी मैं, मैंने 1.5 चम्मच करीब इसमें घी डाला है, 1/2 चम्मच। अब इसे हम पूरा मिक्स करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इस आटे को सारे मसालों और घी के साथ मसलूंगी थोड़ी देर, 3 से 4 मिनट हम इसे ऐसे मसलेंगे, इससे घी एकसर हो जाता है, अच्छे से पूरी तरह आटे के एक एक कण में समा जाता है। देखिए इस अब ये आटा सूखा ही हमने मसला है, देखिए कैसे बंधने लगा है। अब हम इस टाइम पे इसे हम गूंथ लेंगे, रोटी से थोड़ा सा कड़क गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं करके पानी डालूंगी। आटा गूंद लिया है, देखिए इतना कड़क होना चाहिए, रोटियों से थोड़ा सा कड़क। अब इसे हम 15 से 20 मिनट ऐसे ढक के रख देंगे, जिससे क्या होगा कि इसमें लचीलापन आ जाएगा। आटा देखिए 15 से 20 मिनट ऐसे ही रख दिया था, अच्छे से लचीला हो गया है। इसे हम और एक बार मसल के एक सर कर लेते हैं, और उसके बाद इसके हम छोटे छोटे रोटी के साइज़ के ही, जो रोटी के लिए हम बनाते हैं लोइयां, छोटे छोटे वैसे ही बॉल्स बना लेंगे। देखिए इस टाइप के मैं बॉल्स बना लेती हूँ। यहाँ हमने पानी भी बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमें ये बॉल्स अब इसमें उबालने हैं। तो जब तक ये पानी बॉईल होता है तब तक मैं इस तरह की ऐसे बॉल्स बना लेते हैं। इसमें छेद करने से वो अंदर से अच्छे से पक जाता है। ऐसे इसी साइज़ की मैं बॉल्स बाकी सारी भी बना लूँगी। पानी उबल गया है, बाटियाँ देखिए हमने गोल गोल बना के तैयार कर दिए हैं। अब इन्हें इसमें छोड़ देते हैं, इसे करीब 10 मिनट हमें पकाना है। इसमें ये करीब हमने 10 मिनट तक इसे उबाला, 10-15 मिनट तक उबाला, और उसके बाद देखिए ये ऐसे ऊपर आ जाते हैं, फूल जाते हैं, और देखिए ऐसा टेक्स्चर भी ऐसा हो जाता है। अब हमने इसे ठंडा भी कर लिया है, इन्हें पानी में से निकाल लेते हैं। देखिए इस पैन में मैंने घी को गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि अब हमें बाटियाँ फ्राई करनी है। ये बाटियाँ ठंडी हो गई हैं, इन्हें मैं इस तरह से बीच में से काट लूँगी, और फिर इन्हें मैं इस तरह से फ्राई करेंगे, मीडियम टू लो आंच पर फ्राई करेंगे, हल्का क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने देंगे, ज़्यादा तेज आंच पर नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर ब्राउन करेंगे तो ये कड़क हो जाएगी। देखिए बाटियाँ फ्राई हो गई हैं, कैसे हल्का ब्राउन कलर आया है, इस टाइम पर निकाल देंगे। जैसा मैंने कहा ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती हैं। अब ये सर्व करने के लिए रेडी हैं, इसे दाल के साथ सर्व करेंगे गर्मा गर्म। गर्मा गर्म दाल और बाफला बाटी बन के रेडी है। देखिए इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया है,
ये ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से इसने अच्छे से घी सोख लिया है, बहुत ही सॉफ्ट है, देखिए कैसे टूट जाती है हाथों से ही ये, बहुत ही। और इसके ऊपर इसी तरीके से तोड़कर इसके ऊपर और घी डाल के ट्रेडिशनली ऐसे ही सर्व किया जाता है इस तरीके से। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। देखिए इसमें ओवन की भी ज़रूरत नहीं है, और कभी फेस्टिवल पे या कभी कोई मेहमान आए तो आप इस तरीके से बाफला बाटी बना के खिला सकते हैं। ये कई लोगों की बहुत पसंदीदा होती है, कुछ लोगों को बाटी इतनी पसंद नहीं आती है, पर बाफला बाटी बहुत पसंद आती है क्योंकि ये सॉफ्ट और क्रिस्पी का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छी लगती है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।